सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को आरक्षण देने के उनके बयान पर हमला बोल दिया। लालू यादव का नाम लिए बिना पीएम ने उन्हें जानवरों का चारा खाने वाले नेता के रूप में संबोधित किया था। साथ ही पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी दल के प्रमुख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदाय के लोगों को छोड़कर मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण देने की बात कही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी के इस बयान पर लालू यादव ने पलटवार कर कहा है कि वो हमसे बड़े ओबीसी नहीं है। साथ ही लालू ने अपने मुसलमानों को आरक्षण वाले बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना, मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम सीनियर टू नरेंद्र मोदी। सर तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है क्या? तीसरा चरण का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है और गठबंधन के पक्ष में हो रहा है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि पांचों सीट पर हम आगे रहेंगे। इस 400 के पार का नारा भूल गए हैं मोदी जी अब? 400 के पार का नारा ये तो अपने पार ख़त्म हो गए ना, ये चार सर बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में क्या कहा था। जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे उनके सागरित, और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा उन्होंने क्या कहा, अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं।